तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मैजिकल प्राणायाम के बारे में बताऊंगी जो ना सिर्फ आपकी लंग्स को हेल्दी रखेगा, साथ ही जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको हो जाता है, बहुत चिंताएं आपके मन में आती हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, रात में नींद नहीं आती, बहुत डल फील करते हैं, बहुत लो फील करते हैं, इन सारी समस्याओं से निजात देगा। साथ ही आपके शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको बढ़ाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालेगा, जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर भरी है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके आपके शरीर को ऊर्जा से भर देगा। साथ ही जो भी आजकल ये समस्या चल रही है ना इन्फेक्शन की, पूरा विश्व इस इन्फेक्शन से आज जूझ रहा है, यानी लोगों को सांस लेने में तकलीफ है, लोगों को लोग होम आइसोलेटेड हैं और हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। इस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। देखो वैसे भ्रामरी प्राणायाम तो आप में से बहुत से लोगों ने किया होगा, लेकिन इस वीडियो में खास क्या है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको भ्रामरी प्राणायाम किस तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप। दूसरा, अगर आप भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं तो उसका साइंटिफिक बेनिफिट क्या है हमारे शरीर में, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें। तो इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो कभी भी डालूं या लाइव कभी भी आऊं उसका अपडेट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भ्रामरी प्राणायाम का मैजिकल क्या ऐसा बेनिफिट है। दोस्तों जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं ना तो हमारे शरीर में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट गैस मॉलिक्यूल है जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का जो महत्व है बायोफिजिक्स में बहुत ज़्यादा है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड है क्या? दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा गैस मॉलिक्यूल है जो हमारे माइंड को काम डाउन करता है, हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है, यानी हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन इसको जब इम्प्रूव करेगा तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो काम डाउन होगा, ब्लड प्रेशर लोअर होगा, आपके मन को शांत करता है, मसल्स में जो टेंशन है उसको रिलीज करता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन को रिड्यूस करता है, लंग्स को वेंटिलेट करता है, उसकी लंग्स की कैपेसिटी वाइटैलिटी को इम्प्रूव करता है, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, काम फील करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा कहाँ से? दोस्तों ये नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत नेचुरल हमारी बॉडी में ही सेल्स में डेवलप होता है, और भ्रामरी प्राणायाम करते हैं ना जब हम ये हमिंग साउंड निकालते हैं तो इससे हमारे लंग्स का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। भ्रामरी प्राणायाम करा तो क्या हुआ कि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ा। जब नाइट्रिक ऑक्साइड एक तरीके की एंटी इन्फ्लेमेटरी गैस है जिसकी मदद से आपके शरीर में जो भी इन्फेक्शन है ना, चाहे वो इन्फेक्शन वायरस का हो, बैक्टीरिया को हो, फंगल का हो या किसी भी तरीके के पैरासाइट का इन्फेक्शन, उनको दूर करता है और हमारे शरीर की रक्षा करता है। जैसा कि मैंने बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे लंग्स को वेंटिलेट करता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर गई, ऑक्सीजन का इनटेक हमारे शरीर में, अपटेक हमारे शरीर में ज्यादा हुआ, जिससे एक एक सेल्स एक एक लाइक बॉडी पार्ट में उस ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ गई, जिससे आप काफी एनर्जेटिक फील करते हैं, फुल ऑफ लाइफ फील करते हैं, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो आइए अब आपको बताती हूँ भ्रामरी प्राणायाम आपको करना किस तरीके से है और कब करना है। इस प्राणायाम को आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ सोने से एकदम पहले मत कीजिएगा क्योंकि इससे आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि एक तरीके का वाइब्रेशन हम इसमें क्रिएट करते हैं, एक हमिंग साउंड क्रिएट करते हैं, तो नींद आने में थोड़ी सी आपको गड़बड़ी हो सकती है। अदरवाइज आप ड्यूरिंग द डे कभी भी कर सकते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ आपको कि इस प्राणायाम को मिनिमम नौ राउंड आप सुबह कर लें, दोपहर कर लें, शाम कर लें, और इसके अलावा जब भी दिल करे वो करें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप इसका पॉजिटिव इफेक्ट अपनी बॉडी में देखने के लिए पाएंगे। तो आइए इतने सारे बेनिफिट बताने के बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। पहली बात तो इस प्राणायाम को चाहे तो आप कुर्सी पे बैठ के कर लें या कि आप ज़मीन पे बैठ के क्रॉस लेग पोजीशन में, जैसे ही बैठना आपको कंफर्टेबल लगता है। ध्यान रखिए स्थिरम सुखम आसनम, ये किसी भी आसन का एक बेसिक
डेफिनेशन है कि जब तक आप आसन में स्थिरता महसूस नहीं करते तब तक वो योग अभ्यास हो ही नहीं सकता। तो आराम से या तो आप इस तरीके से पालथी मार के बैठ जाएं, या कि फिर अगर आप वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, सिद्धयोनि आसन में जिस तरीके से भी बैठना कंफर्टेबल महसूस करते हैं उस तरीके से बैठ जाएं, कुर्सी में बैठ जाएं, जैसे भी इस तरीके से आराम से बैठ गए। इसमें क्या है, कमर गर्दन सीधी है और बॉडी को बहुत बढ़िया बेस मिल गया। मैं अभी पद्मासन में बैठी हुई हूँ। देखेंगे, दोनों हाथों को मैंने कर लिया चिन मुद्रा में, मैंने थंब और इंडेक्स फिंगर को एक साथ मिला दिया और उसको रख लिया अपने घुटने के ऊपर। कमर गर्दन सीधी है, आंखें बंद कर ली। अपनी आती और जाती हुई सांस को ऑब्जर्व करेंगे, जैसी है, कोई मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। जैसी सांस आ रही है जा रही है, कम से कम दो से तीन मिनट, पांच मिनट इसी तरीके से शांति से बैठे रहेंगे। अब दोनों हाथ के जो अंगूठे हैं उससे हम बंद करेंगे अपने कान को, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, डायरेक्टली अंगूठे को कान में इस तरीके से डाल देते हैं। इस तरीके से नहीं डालना, इससे आपको आपके नाखून से हो सकता है, क्योंकि कान के अंदर की जो वॉल है बहुत नाजुक होती है, तो उससे दर्द होगा आपके नाखून से, ठीक है। तो क्या करना है, जो लिड है उसके ऊपर आपको कान के ऊपर अंगूठे को, थंब का जो ये है, इसको इस तरीके से रखना है, ठीक है, बाहर की तरफ से ऐसे इस तरीके से रखना है। तो ये हो गया कान बंद। सेंस ऑर्गन्स सारे बंद करेंगे, इसीलिए हम धीरे धीरे, यानी सेंस ऑर्गन्स को बंद करना, यानी बाहर की जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया और आपके अंदर की जर्नी को आप शुरू कर रहे हैं। तो मैंने अपने पहला सेंस ऑर्गन जो है कान को बंद कर लिया। फिर क्या किया, अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से आँख को बंद करेंगे, ठीक है। तो इंडेक्स फिंगर से तो को हमने अपनी आईलिड के ऊपर रख लिया, और जो आपकी मिडिल फिंगर है, जो बड़ी वाली उंगली है, उसको नाक के जस्ट जो बेस है उसके पास, यानी आँख के जस्ट थोड़ा सा नीचे ऐसे, और बहुत प्रेशर देके आँख को भी नहीं बंद करेंगे, कान को भी नहीं बंद करेंगे। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, आपकी जो रिंग फिंगर है जिसमें अंगूठी पहनते हैं उसको अपर लिप्स के ऊपर रखा, और जो छोटी वाली उंगली है उसको लोअर लिप्स पर रखा। तो इस तरीके से हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स बंद हो जाएंगे। ये तो हो गया सेंस ऑर्गन्स को बंद करने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ, भ्रामरी प्राणायाम करते वक्त आप संभावी मुद्रा लगा के किस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप ये मुद्रा लगाएं, और ना लगा नहीं लगाने का मन है तो बिना लगाए भी आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। तो कैसे, आप अपनी एक इंडेक्स फिंगर को अपनी दोनों आँखों के बीच में, जहाँ पे नाक के सीध में रखें, आप अपने इंडेक्स फिंगर को नाक के सीध में इस तरीके से रखा, और धीरे 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 जैसे ही आप अपने इंडेक्स फिंगर को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, ध्यान आपकी इंडेक्स फिंगर के टिप पर है, ठीक है। इस तरीके से जैसे ही ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमारे दोनों आँखों की जो आई बॉल्स हैं वो धीरे 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 ऊपर जाके आईब्रोस के सेंटर पे, यहाँ पे आके टक हो रही है, और धीरे से आपको आँख बंद कर ले रहा है। बहुत प्रेशराइज नहीं करना है, जेंटल रहना है, ठीक है ना। तो हम भ्रामरी कर रहे हैं आपकी संभावी मुद्रा लगा के, और जीभ की जो स्थिति है, जीभ को अपर पैलेट पे टच करना है इस तरीके से, और फिर हम भ्रमर की, भंवरे की आवाज़ निकालेंगे, फीमेल जो भी है उसकी आवाज़ निकालेंगे, ताकि, और ध्यान जो है अपने पूरे यहाँ पे माइंड पर रखना है, आपके फोरहेड रीजन पे रखना है, जिससे जब वो भ्रमर हो, कंपन हो, एक रेजोनेंस हो, उससे आप एक अलग तरीके की वाइब्रेशंस फील करें, और वाइब्रेशंस को आपको फील करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कान को बंद कर लिया, आँख को बंद कर लिया, अपनी बड़ी वाली उंगली को नाक के जस्ट बेस पे रखा, रिंग फिंगर से अपर लिप्स, लोअर लिप्स, संभावी मुद्रा अडॉप्ट की, जीभ को अपर पैलेट पे टच किया, गहरी लंबी सांस ली, और एक्सहेल करेंगे तो भ्रमर की आवाज निकालेंगे। कैसे दोस्तों, जैसा कि टेक्निक शुरू करने से पहले मैंने बताया कि आपकी टंग को अपर पैलेट में टच करना है, और उसके बाद आपको फीमेल बी का साउंड प्रोड्यूस करना है, यानी ना का साउंड प्रोड्यूस करना है, ना कि माँ का ना करके ना का साउंड प्रोड्यूस करना है। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, फीमेल बी का साउंड क्यों प्रोड्यूस करना है, आपको एक सिंपल सा लॉजिक देती हूँ। एक
फीमेल का साउंड की फ्रीक्वेंसी मेल की जो साउंड की फ्रीक्वेंसी से बहुत कम होती है, और इस प्राणायाम का अभ्यास हम कर रहे हैं ताकि एक तरीके का रेजोनेंस क्रिएट हो सके, एक तरीके का लय क्रिएट हो सके, एक तरीके की वाइब्रेशन क्रिएट हो सके। तो फीमेल की फ्रीक्वेंसी मेल बी की फ्रीक्वेंसी से काफ़ी अधिक होती है, जिससे लय क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और उस सूदिंग साउंड से मन बहुत शांत हो जाएगा। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इस प्राणायाम का अभ्यास मिनिमम 9 राउंड्स ही करना है। अगर आपके हाथ में दर्द हो जाए तो बीच में रुक जाएं और उसके बाद फिर रुक रुक के 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, जितने में आप कंफर्टेबल फील करते हैं उतनी बार करें। अगर हाथ में दर्द हो जाए हाथों को नीचे रख दें, शांति से बैठे रहें, फिर उसके बाद दूसरे राउंड का फिर से अभ्यास आप शुरू कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इस प्राणायाम को हर दिन जब आप अपने योग का अभ्यास करते हैं, यानी आसनों का अभ्यास कर लें, बाकी के प्राणायाम का अभ्यास कर लें, यानी कपालभाति कर लें और भस्त्रिका कर लें, और उसके बाद आप जब ध्यान की तरफ जाएं, मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ें, उसके पहले आप भ्रामरी का अभ्यास कर लें। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद मन ऑटोमेटिकली बहुत शांति की तरफ आगे बढ़ता है, उस लय के कारण, उस वाइब्रेशन के कारण कि मन ऑटोमेटिकली शांत होना चाहता है। फिर आप आराम से उसी स्थिति में बैठ के शरीर को बिना हिलाए डुलाए शांति की जो अनुभूति कर रहे हैं उसको आपको सिर्फ एक्सपीरियंस करना है, फील करना है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब आप इस प्राणायाम का अभ्यास करें तो कान को, नाक को, आँख को, मुंह पर जो उंगलियां आपने रखी हुई है बहुत प्रेशर देके मत रखिएगा, बहुत जेंटल रहिएगा अपने साथ, और इस तरीके की प्रैक्टिस रखिएगा कि आपका मन शांत हो। मन शांत तब होगा जब इस तरीके की कोई भी परेशानी आपके शरीर पे नहीं रहेगी। आपका शरीर जितना शांत होगा आपकी सांसें उतनी लयबद्ध होंगी, सांसें जितनी लयबद्ध होंगी मन ऑटोमेटिकली शांति की तरफ आगे बढ़ेगा। आपको इतना ज़्यादा कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है, यानी कुछ ना कुछ परेशानी है आपकी टेक्निक में, आपकी प्रैक्टिस में, तो हमेशा अपनी टेक्निक को सही रख के उसका अभ्यास करें। अच्छा होगा कि अगर आप किसी प्रशिक्षित योग गुरु से पहले इन सारी चीज़ों को सीखें और उसके बाद अभ्यास करें। अब भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद इस प्राणायाम की एक खूबसूरती ये है कि आपका मन ऑटोमेटिकली शांत होके आप एक तरीके की मेडिटेटिव स्टेज को फील करते हैं, जिसको केवल कुंभक की स्थिति कहते हैं। अब इस स्थिति में आपका मन बहुत शांत होता है, सांसें बड़ी नॉर्मल हो चुकी होती हैं, और इस लय से, इस वाइब्रेशन से मन को एकाग्र करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑटोमेटिकली एकाग्रता की स्थिति आप फील कर सकते हैं। यानी आप अगर ध्यान बिना भ्रामरी प्राणायाम के करें तब शायद आपको मन को कंट्रोल करने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद आपका मन ऑटोमेटिकली शांत होके ध्यान की तरफ आगे बढ़ता है, मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ता है। बस आपको आंखें बंद करके बैठ के जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनको फील करना है। अब धीरे से अपनी हाथ की हथेलियों को रगड़ें, अभी आंखें ना खोलें, हाथ की हथेलियों को रगड़ें, और जब गर्माहट महसूस होने लगे दोनों हाथों का कप बना के उसको आंखों के ऊपर रखें। आंखों को दबाएं नहीं, सो दैट आपके पाम्स की गर्मी आंखों पर ट्रांसफ़र हो सके, चेहरे पर ट्रांसफ़र हो सके। कुछ देर हाथों को इसी तरीके से रखें, वापस से दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़ें। अब आपके जो पाम्स की ऊर्जा है उसको अपने चेहरे पर ट्रांसफ़र करते हुए धीरे धीरे पूरे बॉडी पार्ट्स पर इस हीलिंग एनर्जी को, इस ऊर्जा को ट्रांसफ़र करेंगे। अब अभी भी आंखों को खोलेंगे नहीं, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा करके चेहरे के सामने लाके दोनों हाथों को धीरे से खोलेंगे। अब ब्लिंक करके आंखों को झपकते हुए पहले हाथ की हथेली को देखेंगे और फिर नमस्कार करते हुए सामने अपनी दृष्टि को मूव करेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ इस वीडियो में बताई गई ये सारी साइंटिफिक बातें और ये टेक्निक आपको बहुत पसंद आई होगी, और आप जब भी नेक्स्ट टाइम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो ये चीज़ें आपको मददगार साबित होगी। आपके जो भी फीडबैक हैं नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, नमस्ते।